तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आई थिंक कि 3 डेज बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, वो भी ब्लॉग। तो 3 दिन से मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, मतलब आप लोग तो जानते ही हो कि जैसे कि अभी सर्दी खांसी का मतलब बुखार का सीज़न चल ही रहा है, सबको बुखार हो जा रहा है, तो मुझे भी हो गई थी। और बैक टू बैक मुझे इतना काम हो गया था क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए। तो आप जानते हो ना कि जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप सोच रहे हो कहाँ जाना है, तो मैं बता दूँ कि मुझे मायके जाना है, और आज जाना है मुझे मायके। इसलिए मैं 2-3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि आप जानते हो ना हम लोगों का, औरत लोगों का काम क्या होता है कि कहीं भी जाने से पहले आपको अगर लगता है कि अगर आपको मालूम है कि 10-15 दिन के लिए आपको जाना है, और तो उससे पहले आप सोचते हो कि मतलब घर का जितना काम है सब मैं निपटा लूँ। और फोन आ गई थी, तो घर का जितना काम है मैं सारा और सब कुछ निपटा लूँ, तो ऐसा होता है ना सबके साथ। तो बस मुझे पैकिंग वैकिंग करने में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, और सारा सामान वामान एक जगह मुझे सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कि घर भी मेरा मतलब बिखरा हुआ ना रहे। इसलिए तो यहाँ देखिए सारा बैग, ये मेरा, वो बाबू का एंड वो हाफी का। तो मैं छोटी हूँ बट मेरा ट्रॉली बहुत ही बड़ा है, मेरा अभी लंबे है, इसलिए मेरे अभी का ट्रॉली तो बहुत ही छोटा है। सो बस थोड़ी देर में मैं निकलने वाली हूँ। मैं सोची चलो मैं आप लोगों से अब बात करती हूँ, क्योंकि सुबह आज मतलब आज सुबह से मेरा बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि मेड भी नहीं आई थी जल्दी, तो सारा बर्तन वगैरह धोना एंड नहाना वहाना, फिर नाश्ता मैंने बनाया। तो अभी बज रहा है दोपहर का नहीं बोलूँगी, सुबह से 11 बज रहा है। अब बस थोड़ी देर में मैं निकलने वाली हूँ, हो चुके बस अभी रेडी नहीं हुए, और मैं भी आप रेडी हो चुके हैं, इसलिए देखिए। सो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड, जाने के लिए रेडी हो चुका है, सारा सामान यहाँ पे है, और यहाँ पे पापा और बेटी अपना दोनों खेल रहे हैं, बस कार आने वाला है। और ये पति देव जो है वो जाने से पहले गुस्सा हो गया, पता नहीं क्यों, इनका ATM कार्ड नहीं मिल रहा है गाइस। और पता है ये खुद ही रखते हैं और कहते हैं कि हम रखे हैं। कहाँ रखे हो बताओ? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, कैमरा के सामने झूठ बोल रहा है। नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। और बाबू बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ाई हुई है, इसलिए उसको खिला रहा है वो अभी। तो जानते ही हो कि कहीं भी जाने से पहले बच्चा बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है, उससे ज्यादा उसकी माँ। मैं इसलिए गुस्सा कर ली, वो बोल रहा है, अमन बोल रहा है कि उससे ज्यादा उसकी माँ चिड़चिड़ा जाती है। मैं इसलिए इतना गुस्सा कर ली क्योंकि वो मुझे बोल रहा है कि मैंने ATM कार्ड रखा, मैंने ATM कार्ड रखा ही नहीं है, और पता नहीं क्यों। और ऊपर से देख रहा हूँ मैं अभी तक कंघी भी नहीं की हूँ, ये देखिए। अच्छा वैसे ये बताओ मेरा हेयर कलर कैसा लगा? एकदम बकवास। बताओ कैसा लगा? हाँ ठीक लग रहा है। सच्ची होता कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। बस एंड मैंने यहाँ साड़ी वेयर किया हुआ है, वैसे मैं जल्दी साड़ी वेयर करती नहीं हूँ, बट मेरा मन किया इसलिए, एंड मैंने चूड़ियाँ भी पहन लिया रेड रेड, कैसे लग रही है बताना मुझे। एंड ये भी यहाँ पे खड़ी है, इन्हें भी देख लीजिए। तो ये आई वैसे बहुत लेट से, इन पे बहुत ही ज्यादा मुझे गुस्सा आ गया था, इनको मैंने बोला था कि आप 9 बजे तक आ जाइएगा, बट ये लेट से आई, बट कोई नहीं चलो जान दो। मैंने तो गुस्सा की थी, मेरा पता नहीं क्यों मेरे ना नाक पे ही गुस्सा रहता है, छोटा छोटा बात के लिए मैं इतना जल्दी गुस्सा कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, क्योंकि वैसे भी सर नाम के जो भी इंसान रहते हैं उसके नाक पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है। मतलब जो जो मेरे से एग्री करता है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। चलो सो ये बोल रही है कि इनको होली का नेक चाहिए। क्या चाहिए सोनी जी आपको? वैसे मैंने इनको साड़ी दिया हुआ है क्यों, बट इनको क्या चाहिए पहले इनसे पूछ लीजिए, क्या चाहिए सोनी जी आपको? ये क्या बोलेंगी? तो बस इनको मैं नेक देती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ, कार आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसी कारण मैं सोची चलो मैं आप लोग से बातें कर लेती हूँ तब तक। और कमेंट में मुझे बताइए अब कैसी लग रही हूँ, थोड़ा सा चेहरा उतर गया है फीवर के कारण, क्योंकि फीवर से ना एक दिन ही आपका क्यों ना फीवर लग गया, वो चेहरा उतर जाता है। बट ये देखिए बाबू को सुला रहे हैं। सो चलिए मामले से मिलते हैं। Thank you.
moments later. So friend, बाबू बहुत ही ज्यादा तंग करती है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं उसको पहली बार लेके आई हूँ कार से, मतलब कार से मीन्स मतलब मैं अपने मायके जो जा रही हूँ, मैं पहली बार बाबू के साथ जा रही हूँ और बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दी। ये देखिए तो आप सोच रहे हो इसका चेहरा ये क्या हो गया, तो मैं इसको ये देखिए सेरोलैक्स बैठ के खिला रही थी, अभी थोड़ा सा कार रुका क्योंकि ड्राइवर अंकल को ना थोड़ा चाय पीना था इसलिए, तो मैं सोची चलो इसको मैं खिला देती हूँ, और इतना ज़्यादा उछल पुथल कर दी कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दी है। तो बस अभी आ रहे हैं, फिर मैं उनको दूंगी थोड़ा सा ये जो कटोरा है उसको थोड़ा सा वॉश करने के लिए, तो मैं बस उन्हीं को देख रही थी, तो आ रहे हैं तो मैं सोच थोड़ी सी बातें कर लूँ और दिखा भी दूँ कितनी ज़्यादा बदमाशी कर रही है भाई बहुत ही ज़्यादा। और पता है कि इतना ज़्यादा सर दुखने लगा ना, बहुत ही ज़्यादा सर मुझे दुखने लगा, एक तो मैं बहुत ही जल्दी आज सुबह सुबह उठ रही थी और सो ही भी नहीं थी, तो चलो पहले मैं इसको मुँह हाथ धो लेती हूँ, उसके मुँह धो देती हूँ उसके बाद उस बातें करती हूँ। एंड फाइनली हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और ये हॉस्पिटल आप देखिए, मैं सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि इसी में मेरी बाबू हुई थी पटना के MSM हॉस्पिटल में, तो मैं सोची कि मतलब मुझे दिख गया तो मैं सोची मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक यादगार हो गया सोची। तो बस हम लोग पटना पहुंच चुके हैं और हम अपने मेरे घर से पाँच मिनट की दूरी पर, बस पाँच मिनट मेरा घर पहुँच जाएगा। सो ये लोग मेरा घर आ गया है, बट मेरा घर सामने से नहीं दिखेगा, अंदर जाना पड़ेगा। एंड मेरा भाई आया हुआ था लेने के लिए एंड अभी सारा सामान लेके आ रहे हैं वो भी पीछे से। सो ये देखिए तो बस यहाँ मेरे पापा जी हैं, पापा का पैर मैं पैर छोड़ रही हूँ। तो गाइस घर हम लोग पहुँच चुके हैं और बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रही है सबको देखकर, और ये देखिए मेरी बहन को खाना खिलाने में, मतलब खाना कर रहे थे तुम्हारा, वेट कर रही थी मेरा खाना बनाने में जुट गया, खाना बना चुके बस उसको गर्म कर रही, पापड़ तल रही क्योंकि हब्बी को जाना है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों जाना है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, वाले खा गई दिखलाते हैं तो पापा तबीयत कैसा है आपका, हाँ तबीयत कैसा है बताइए, ठीक है अभी सो चलो। सो ये देखिए गाइस बहन आ गई है, क्या लाई हो, अजीजू के लिए, मेरे लिए नहीं सो गाइस चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी भी चले गए क्योंकि उनका वहाँ पे काम है एक, और वो बोले कि कल सुबह नहीं कल रात या परसों सुबह तक आ जाएंगे, तो क्योंकि मतलब उनका काम ही ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊं, तो इसीलिए बस वो हमें छोड़ के और वो चले गए हैं, वो आएंगे कल या परसों। तो चलिए इस ब्लॉग में यही पिन करती हूँ, वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ और बाबू को भी मैं जा रही हूँ फ्रेश करवा देने और कुछ खिला देने के लिए, क्योंकि कब जब से आई तब से रो रही थी, तो अभी अपने मामा के साथ घूम के आई है, आप लोगों ने तो देखा ही हब्बी के साथ वो थी तो डॉगी देख रही थी, एंड फिर उसके बाद जब हब्बी उसको उतार दिए तो फिर मामा के साथ चली गई। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक प्यारा सा ब्लॉग में, एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते जाए, मुझे यहाँ पर बोलती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं गड़बड़ा जाती हूँ। सो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।